वेलकम टू राइटिंग क्लासेस। आज हम लोग मध्य प्रदेश के तहत पढ़ेंगे वैनगंगा नदी तंत्र, जिसमें आप देखेंगे वैनगंगा नदी तंत्र को देखो पूरा मैप से देखेंगे हम लोग इसकी सहायक नदियाँ, इसमें प्रमुख बांध, ठीक है, राजीव है ना, सागर वर्धा नदी, ये सभी कुछ देखेंगे, कानन नदी, पेंच नदी, तो मैप से समझेंगे। उसके बाद इसमें रिलेटेड हम देखो तो उद्गम, मुहाना, बहुत ज़्यादा डिटेल से। ओके, वैनगंगा की सहायक नदियाँ, चूँकि ये सहायक नदियाँ मध्य प्रदेश के लिए वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो वन बाय वन इन्हें हम डिटेल से भी करेंगे, जैसे वर्धा नदी को प्राणिता नदी, ठीक है, पैंच नदी, और फिर देखेंगे वैनगंगा प्रमुख बांध या परियोजना है, ओके, और फिर देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ विशेष तथ्य। तो इतने पॉइंट पर हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग मैप में देखते हैं इसे। ओके, तो वैनगंगा नदी तंत्र को यदि देखें हम लोग, ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो जो है वैनगंगा नदी जो है ये वाली जो है वैनगंगा नदी तंत्र है, ये मुंडारा सिवनी से इसका उद्गम होता है, ठीक है, उद्गम कहाँ से, मुंडारा सिवनी, सिवनी जिले से मुंडारा नामक गांव है वहां से होता है, ठीक है। तो इस पे आगे चल करके एक भीमगढ़ बांध है, ओके, या इसी को संजय सरोवर बांध भी कहते हैं, क्या कहते हैं, संजय सरोवर बांध, ओके, यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, 1972 में बना है ये, ठीक है, तो इस पर डिस्कस करेंगे और डिटेल से। फिर आगे देखेंगे तो बालाघाट जो शहर है वह वैनगंगा नदी के तट पर ही है, इसी पे आगे चल करके कौन सा धूती बांध है जो बालाघाट में ही है, ओके, फिर गांगुल पारा जलप्रपात है यहीं पे। इसके अलावा इसकी एक सहायक नदी है बावन थड़ी नदी, जिस पर राजीव सागर परियोजना मिलेगी आपको, ओके। इसकी सहायक नदियों में पैंच सबसे इम्पोर्टेंट है, पैंच जो कहाँ से आपके कह सकते हो, ठीक है, जुन्नार देव से इसका उद्गम होता है, ओके, छिंदवाड़ा जिले से, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत के वहाँ से इसका उद्गम होता है, छिंदवाड़ा से, ठीक है। तो ये इस पर एक माचा गौरा बांध भी है, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी एक सहायक नदी कुल बहरा भी है, ओके। फिर एक और है कान्हन नदी, जो कि कहाँ से, सौसर से निकलती है, ठीक है, और ये आकर के कहाँ मिल जाती है आपकी, किस में, वैनगंगा पे, ठीक है। यहाँ से एक और नदी आती है कालीवीत पहाड़ी बैतूल से, जिसका नाम है वर्धा नदी, ठीक है। वर्धा और वैनगंगा जब आपस में मिल जाती है तो ये संयुक्त धारा जो इनकी कहलाती है, यही कहलाती है प्राणहिता नदी, ठीक है। तो वैनगंगा और वर्धा की संयुक्त धारा को हम किस नाम से जानते हैं, प्राणहिता नाम से जानते हैं, जो आगे चल करके किस मिल जाती है, गोदावरी में मिल जाती है, ठीक है। तो गोदावरी में जाकर के समापन होता है इसका, मुहाना है, ओके गाइस। तो आई थिंक मैप से आप लोगों ने इसे समझ लिया, ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको रहेगा, ठीक है। फिर देखते हैं वैनगंगा नदी तंत्र, इसमें देखें उद्गम, तो आप डिटेल से देखते हैं इसे ना। वैनगंगा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित मुंडारा गांव पारसवारा पठार से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित सतपुरा श्रेणी से होती है ना, के ढाल पर स्थित रजोला ताल से निकलती है। ये अगर ये भी स्थान पूछे, व्यापम वगैरह पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि व्यापम बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल क्वेश्चन देता है ना, ठीक है। तो कहाँ से, रजोला ताल से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है। मुहाना देखें, यह नदी अर्धचंद्राकार रूप में, एक क्वेश्चन ये भी आया ना कि निम्नलिखित कौन सी नदी अर्धचंद्राकार रूप का निर्माण करती है, अर्धचंद्राकार रूप में प्रवाहित होती है, ठीक है। मैं उत्तर पूर्व की ओर तत्पश्चात दक्षिण पूर्वी दिशा में सिवनी तथा बालाघाट जिले में प्रवाहित होती हुई भंडारा महाराष्ट्र जिले में प्रवेश करती है, तथा यहीं पर वर्धा नदी इसमें आकर मिलती है। इन दोनों के संगम को हम किस रूप में जानते हैं, प्राणहिता कहा जाता है। अंत में यह गोदावरी नदी मिल जाती है, इसे सिवनी की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट हो गया कि सिवनी की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। चलिए अभी देखें तो एक और कौन, वैन इस गंगा की सहायक, ठीक है, रिलेटेड देखें तो लंबाई इसकी 570 किलोमीटर है, ये इम्पोर्टेंट है। इसकी सहायक नदियों में वर्धा, पैंच, प्राणहिता, कुलबहरा, बावनथड़ी और बाघ, ठीक है, इनको जरा हम लोग डिटेल से देखते हैं। वर्धा, पैंच, प्राणहिता, तो वर्धा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुलताई के वर्धन शिखर से होता है, ठीक है। वर्धन शिखर की ऊंचाई 811 किलोमीटर है, मीटर है, 811, ठीक है, मीटर है ना, किलोमीटर सॉरी, ओके, मुलताई के वर्धन से होती है, जो छिंदवाड़ा जिले की दक्षिणी सीमा बनाती हुई महाराष्ट्र में प्रवेश कर वैनगंगा नदी में मिलती है और प्राणहिता संगम का निर्माण करती है, ठीक है। तो जब भी ये वर्धा और कौन सी मिलेगी, वैनगंगा, तो कौन सी बनेगी, प्राणहिता नदी।
इस नदी की लंबाई 525 किलोमीटर है। वेना, जाम, इराई, मडु, वेम्बला, हिर्री प्रमुख इसकी सहायक नदी है वर्धा की। इस नदी किनारे महाराष्ट्र में सेवाग्राम और पवनार आश्रम स्थित है। ये हिस्ट्री से अगर आपके क्वेश्चन आए ये भी आपसे बनना चाहिए। पवनार आश्रम पूछा गया किस नदी है ना, वर्धा नदी के तट पर स्थित है और महाराष्ट्र में है ये। प्राणहिता नदी देखें तो प्राणहिता नदी वर्धा और वैनगंगा का संगम है। आपको जानकर के एक आश्चर्यचकित होंगे कि द राइज ऑफ शिवगामी आनंद नीलकांतन द्वारा लिखित उपन्यास है, ठीक है। इसमें प्राणहिता नदी का वर्ण है और इस पर फिल्म कौन सी, बाहुबली फिल्म इसी उपन्यास पर आधारित है, ठीक है, द राइज ऑफ शिवगामी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, आनंद नीलकांतन द्वारा ये पूछ सकता है मध्य प्रदेश की किस नदी का वर्णन है, ठीक है, द राइज ऑफ शिवगामी। पैंच नदी, पैंच नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 274 किलोमीटर है तथा मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 206 किलोमीटर है। कन्हान, कुलबेहरा तथा बावनथड़ी इसकी सहायक नदियां हैं। ओके, ये थोड़ी सा हो गया, बावनथड़ी एक्चुअली नहीं है ना, ठीक है, बावनथड़ी तो वैनगंगा में आके मिल जाती है डायरेक्ट, तो कन्हान और कुलबेहरा। ओके, यह नदी इंदिरा प्रियदर्शिनी पैंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है जिसे लैंड ऑफ मोगली भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, लैंड ऑफ मोगली। स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के अमोदागढ़ में पाया गया था ना। अगर आप मोगली में देखें तो रुडयार्ड किपलिंग का नाम आपने सुना होगा। रुडयार्ड किपलिंग ने बुक लिखी द जंगल बुक, ठीक है, मूवी भी आ चुकी है इस पे, द जंगल बुक, द सेकेंड जंगल बुक और रेड डॉग में मोगली, रेड डॉग बुक में मोगली का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो रुडयार्ड किपलिंग याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया ना, हॉलीवुड की मूवी बनी है सभी कुछ इसमें। वैनगंगा पर प्रमुख बांध या परियोजना देखें तो संजय सरोवर या भीमगढ़ बांध वैनगंगा नदी पर है, ठीक है। ये कहाँ है, सिवनी में है, 1972 में बना था, ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। देखो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, इसी को संजय सरोवर या भीमगढ़ बांध, दो में से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ओके, दूती बांध देखें तो कहाँ है, वैनगंगा नदी, ठीक है, धोती बांध कहाँ है, वैनगंगा नदी बालाघाट में। राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पे बालाघाट में। माच गोरा बांध पैंच नदी, ठीक है, छिंदवाड़ा जिला। ओके, अगर इससे रिलेटेड हम विशेष तथ्य देखें तो मध्य प्रदेश की पहली नहर वैनगंगा नहर जिसका निर्माण 1923 में किया गया था वह, ठीक है, तो ये वैनगंगा नदी पर ही स्थित है वैनगंगा नहर इसी से। बालाघाट शहर वैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। ओके, तो एक तो ये हो गया विशेष तत्व में, एक दो पॉइंट जो मिस हुए हैं, एक नदी है, ठीक है, कुलबेहरा, इस पर क्वेश्चन आ सकता है अलग से। ये छिंदवाड़ा के उमरेठ तहसील से निकलती है, ठीक है, कहाँ से, उमरेठ तहसील छिंदवाड़ा। ओके, ये किसकी सहायक नदी है, ये पैंच की सहायक नदी है, पैंच की सहायक नदी है, ठीक है। इसकी लंबाई 80 किलोमीटर है, कितनी है लंबाई, 80 किलोमीटर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, कुलबेहरा को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है, किसकी, छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कुलबेहरा नदी कहते हैं ना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ उमरा नाला और बोदरी हैं, ठीक है, उमरा नाला और बोदरी इसकी सहायक नदी हैं। ओके, क्या है ये, सहायक नदियां हैं, तो ये थोड़ी सा आप ज़्यादा इसे और याद कर लीजिए। ओके, तो ओके गाइस, आई होप आपको पूरा जो क्वेश्चन वैनगंगा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते थे हमने उन्हें कर लिया, ठीक है, यानी कि पूरे फैक्ट्स कवर हुए हैं। होप आपको ये मैप पसंद आया होगा, ठीक है। इस मैप की आप एक